हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉल्ट्स, यानी कि ये जितने भी आयनिक सॉल्ट्स हैं, पहले तो मैं बता दूं जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना ही व्हाइट कलर उसका देखने को मिलेगा, और सॉलिड होंगे ये बात तो हमने मालूम है क्योंकि आयनिक कंपाउंड पैदाइशी सॉलिड होते हैं। ठीक है, हम उन्हें लिक्विड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गर्म करके या फिर एक्वस बना के। तो एक्वस बनाने का मतलब तो हो गया सॉल्युबिलिटी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, उनको गर्म कर करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना गर्म करें कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हीटिंग जो टेम्परेचर है जिस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं वो हमारे लिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉल्ट, और सॉलिड है लिक्विड के साथ जिस टेम्परेचर पे वो मेंटेन रख रहे हैं इक्विलिब्रियम, वो हमारे लिए मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनेट है, लैटिस एनर्जी। उसे हाइड्रेशन एनर्जी से कोई लेना देना है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम पानी में तो डाल नहीं रहे। और लैटिस एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल 1/r+r-, ये बात सही है। तो उसका मेन रोल किससे, सीधा लैटिस एनर्जी से। तो डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक रहेगा तो आसानी से मेल्ट हो जाएंगे और उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। समझ में आ रहा है, अगर इस कंसेप्ट से हम देखते हैं तो जितने भी सॉल्ट से नीचे जाने पे उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। मेल्टिंग पॉइंट आपको लैटिस एनर्जी से देना है, जिसमें एक और फैक्टर आ रहा है आपके पास, Q1 × Q2, सही है। तो कभी कभी एक्सेप्शन भी बन जाते हैं इस पॉइंट से, वो हम अलग से कर लेंगे। तो एक्सेप्शन बनने के पीछे क्या लॉजिक होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारी लैटिस एनर्जी कम होगी तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि साइज छोटी है, साइज छोटी है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वहाँ हमारे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि ऊपर जाने पर फजांस रूल भी लगेगा, आयन की पोलरिटी कर देगा, तो उनमें आयनिक करेक्टर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे फजांस रूल से। और जब आयनिक करेक्टर कम होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनरली तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट करती है, कुछ एक जगह आपके लिए फजांस रूल डोमिनेट कर जाएगा और उससे आंसर आपके चेंज हो जाएंगे। क्या आपने फजांस रूल पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो रहा हमारे पास ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉल्ट, और हम इसी को करते चले जाएंगे। तो हमें नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे लिए लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हम जनरली पढ़ा था ना सुनील अखोड़िया देसी इंडिया, तो वहाँ तो था स्मॉल आयन लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। और लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज डोमिनेट करता है Q1 Q2 में, तो यहाँ Q1 Q2 बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। शर्त यह है कि कुछ एक केसेस में हमारे पास ऐसा ना हो कि फजांस रूल डोमिनेट कर जाए, तो वो हम एक्सेप्शन केस मान के चलेंगे। तो पहले तो वो जहां मेरा रूल आसानी से लग रहा है, जहां बेसिक थ्योरी लग रही है, एक्सेप्शन नहीं बन पा रहा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट। तो देखिए, सीजियम फ्लोराइड से लिथियम हाइड्राइड, फ्लोराइड नहीं, सीजियम हाइड्राइड से लिथियम हाइड्राइड, आप नीचे जा रहे हो या ऊपर, ऊपर सीजियम से लिथियम की तरफ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। तो ये इंक्रीज हो भी रहा है। इस तरफ से देखिए, पोटेशियम आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड, ऊपर जा रहे हो या नीचे, ऊपर, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरफ देखिए, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, नीचे जा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सही है ना बात, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो जनरली हम मेटल के लिए बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे एस ब्लॉक हैं, नीचे जाने पर हमारी सॉल्यूब क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, सही है। तो यहाँ हमारे लिए एक तरह से एक अलग ही कंपेरिजन हो गया कि हम फ्लोराइड के केस, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, हम नीचे जा रहे हैं और हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या ये एक्सेप्शन हो गया, हाँ या ना, हाँ हो गया भाई, अब क्या करें। तो इसको देखिए ना, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो आयोडाइड की तरफ जाने पे सबसे कम होना चाहिए था, और जबकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो
तो ये हमारे लिए एक्सेप्शन हुआ। तो जैसे ही एक्सेप्शन हुआ तो मैंने इन सबको एक्सेप्शंस की कैटेगरी में डालना शुरू कर दिया। जैसे ये भी हमारे लिए एक्सेप्शंस हो गया, NaF। यदि फ्लोराइड की बात करेंगे तो मेरे को बहुत सारे एक्सेप्शन मिल गए, सीजियम फ्लोराइड, नीचे जा रहे हो लिथियम से लेके दिस, तो जिगजेग हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन LiF को कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, ये बीच में चला गया। तो एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन है, LiF का मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होना चाहिए था और बीच में जा रहा है। यहाँ MgO का बहुत ज्यादा है, समझना, BO में बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, फजान्स रूल लग गया और उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बहुत बढ़ गए, जिससे उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो गई। और वो यहाँ होने की जगह, स्टार्टिंग होने की जगह, वो भी कहाँ चला गया? बीच में। तो ये वो एग्जाम्पल है जो एक्सेप्शंस हो गए आपके। इधर देखिए CF2, F में तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, MgF को आगे होना चाहिए था, पीछे है, और BF2 को तो फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए था लेकिन लास्ट हो गया। तो यहाँ अगर हम बात करें बेरियम, ये मैंने वैसे ही सेकंड लिया था, सेकंड ग्रुप में कोई भी और ले लेते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, एक्सेप्शन बनने के लिए तैयार हो, कोई भी अगर आपने ले लिया, BaCl2, Cl2Cl2 ही है, नीचे जाने पर आपके लिए, ये आप नीचे जा रहे हो, ऊपर ऊपर जा रहे हो, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, और क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यह एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी हेलोजन फ्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो मैंने लिख दिया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और ये क्या है? एसीटेट आयन C2O4, यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम, नीचे जाने पर ये आप नीचे जा रहे हो ऊपर जा रहे हो, जिगजैग चल रहा है, तो ये ऑर्डर आ गया। बेरिलियम को सबसे ऊपर होना चाहिए था यहां, और वो सबसे कहां है? लास्ट में। तो बेरियम एसीटेट का सबसे स्टार्टिंग होना चाहिए था, बहुत ज्यादा है। तो क्या हमें इतने सारे पॉइंट्स याद रहेंगे? नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, जहां लग पा रहा है वहां लगाने की कोशिश करना, और आपसे बहुत ज्यादा नई पॉइंट डिस्कस करता, ऐसे एग्जाम्पल आते भी कम ही है, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं और हम ही दे देते हैं। आ रही है बात समझ में? आप तो बेसिक फंडे लगा के करने की कोशिश करना, और अगर एक्सेप्शन याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चलिए ये तो ठीक रहा हमारे लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करेगा? क्या वो लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगा? क्या नहीं, मेल्ट तो हो ही गया है ना, समझ में आ रहा है? तो वो तो किस पर डिपेंड करेगा? वो तो सीधा सीधा चार्ज पे डिपेंड करेगा। आयन दूर दूर हो चुके हैं मेल्ट करने के बाद, तो जितने भी ये आयनिक सॉल्ट हैं इनके अंदर तो आप सीधा सीधा चार्ज डोमिनेट करेगा, और लैटिस इनमें एक्सेप्शंस नहीं बनेंगे बॉइलिंग पॉइंट में, और डाउन द ग्रुप जाने पे वही चार्ज और रेडियस को ही आपको देखना पड़ेगा, साइज को ही, और आपका वहीं से फंडा चलेगा। तो जनरली जो एक्सेप्शन बनते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट में बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं बनते। कुछ समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग फैक्टर भी हमारे लिए, क्रिस्टल पैकिंग फैक्टर भी वर्क कर रहा होता है, इस कारण भी एक्सेप्शन बन जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जमे हुए हैं क्रिस्टल में, जबकि लिक्विड में आने के बाद जब वो बॉइल होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं, तब कोई फैक्टर तो है ही नहीं पैकिंग फैक्टर। तो मॉलिक्यूल किस तरह से पैक्ड है, उस सिस्टमेटिक पैक्ड है, उसका भी रोल आ जाता है कई बार। तो एक्सेप्शन कहाँ मिलेंगे आपको? मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में तो आप डाउन द ग्रुप जाने पर आपकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज ही मान के चलना बाय डिफॉल्ट। यस और नो? कोई डाउट और नहीं? तो ये चीजें उतार लीजिए जल्दी से, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर।